जी अब ये नॉन कम्पिटेटिव इनिबिशन के अंदर क्या चीज़ है कि हमारे पास ये वो टाइप ऑफ इनिबिशन है जिसके अंदर हमारे पास इफेक्ट्स जो है ना वो हम वीमैक्स पे अच्छे से देखते हैं, ठीक है। हमारे जो मैक्सिमम वेलोसिटी उस पर सबसे ज्यादा इफेक्ट्स होते हैं। नॉन कम्पिटेटिव इनिबिशन जो है ना इसके अंदर हमारे पास इनहिबिटर और सब्सट्रेट ना डिफरेंट साइड्स पे ना होते हैं, डायरेक्टली इनके अंदर कोई कॉम्पिटिशन है तो नाम इनका नॉन कम्पिटेटिव है, ठीक है। इसके अंदर मैंने कहा कि हमारे पास जो इनहिबिटर है ना वो या तो फ्री एंजाइम से भी क्या कहते हैं अपना जाकर जुड़ सकता है या फिर एंजाइम सब्सट्रेट कॉम्प्लेक्स से भी जाकर जुड़ सकता है, ठीक है। इसके बाद इसके हम उसी तरह इफेक्ट्स देखेंगे तो वीमैक्स पे इसका क्या इफेक्ट होगा। तो नॉन कम्पिटेटिव इनहिबिशन कैन नॉट बी ओवरकम बाय इंक्रीजिंग द कंसंट्रेशन ऑफ द सब्सट्रेट, सब्सट्रेट जितनी भी कंसंट्रेशन बढ़ा लेना हम इनहिबिशन से ना ओवरकम नहीं कर सकते, इसलिए हमारे पास वीमैक्स जो होगी ना वो हमारे पास डिक्रीज कर जाएगी अपेरेंट वीमैक्स, ठीक है। हमारे पास डिक्रीज कर जाएगी कैसे, इधर देखें इस डायग्राम के अंदर इनहिबिटर के साथ हमारे पास वीमैक्स इधर थी लेकिन हमारे पास ये सब्सट्रेट कंसंट्रेशन जितनी भी बढ़ा लें तो वीमैक्स जो है वो ना वो उस तक नहीं पहुंच पा रहे हम, तो इसलिए हमारे पास ये वीमैक्स चेंज होकर हमारे पास डिक्रीज कर गई है। इसी तरह हम क्या कहते हैं ना, देखें अगर के ना अफेक्ट ऑन के एम देखें हम तो नॉन कम्पिटेटिव इनहिबिटर डू नॉट इंटरफेयर विद द बाइंडिंग ऑफ द सब्सट्रेट टू द एंजाइम, इसे नॉन कम्पिटेटिव इनहिबिटर उसकी बाइंडिंग के अंदर कोई वो नहीं करता, इसलिए हमारे पास एंजाइम जो है वो सेम केएम शो करते हैं, उसकी सेम एफिनिटी रहती है, वो जाकर जुड़ भी जाए तो उसका कोई फायदा नहीं, प्रेजेंस ऑफ एब्सेंस ऑफ द नॉन कम्पिटेटिव, तो केएम इज अनचेंज्ड। उसके बाद फिर तीसरा अफेक्ट हमारे पास किस पे आना चाहिए, हमारे पास लाइन वेव बर्थ प्लॉट पे इसका अफेक्ट आना चाहिए। तो नॉन कम्पिटेटिव इनहिबिटर इज रेडली डिफरेंशिएटेड फ्रॉम कम्पिटेटिव इनहिबिशन बाय प्लॉटिंग वन बाय वी वर्सेस वन बाय एस सब्सट्रेट कंसंट्रेशन, और उसके बाद हमें ना इसके अंदर हम वही पता चला कि अपेरेंट वीएम वीमैक्स जो है वो डिक्रीज कर रही है जबकि केएम जो है वन चेंज रह रही है, ठीक है। इसके अंदर इसके ना कहा कि ऑक्सीप्यूरिनोल जो ऑक्सीप्यूरिनोल जो कि मेटाबोलाइट है हमारे पास प्रो ड्रग एलोप्यूरिनोल, ठीक है। हमारे पास एलोप्यूरिनोल एक ड्रग होती है जो हमारे गाउट के अंदर ना हमारे पास काम आती है, ठीक है। तो हमारे उसका एक ना मेटाबोलाइट है ऑक्सीप्यूरिनोल, ये हमारे पास एक नॉन कम्पिटेटिव इनहिबिटर है किसका जेंथेन ऑक्सीडेज का जो कि हमारे पास एंजाइम है प्यूरिन डिग्रेडेशन के अंदर, ठीक है। तो इसकी एक एग्जांपल इन्होंने हमें दे दी हुई है इसकी नॉन कम्पिटेटिव इनहिबिशन की। तो यहाँ पर क्या है ऑक्सीप्यूरिनोल जो है हमारे पास वो मेटाबोलाइट जो कि हमारे एलोप्यूरिनोल का वो हमारे पास कम्पिटेटिव इनहिबिटर है जेंथेन ऑक्सीडेज का जो कि हमारे पास एक एंजाइम है प्यूरिन डिग्रेडेशन के अंदर। उसके बाद हमारे पास ना इसी तरह हमने ये ना जो कम्पिटेटिव इरिवर्सिबल की एग्जाम्पल हमने पढ़ी थी ये लेड वाली, ये जो ऊपर हमारे पास ना ये लेड वाली जो एग्जाम्पल है हमने इरिवर्सिबल की पढ़ी थी। उसके बाद हमने जब क्या कहते हैं यहाँ पे आ गए थे ना कम्पिटेटिव वाले के अंदर तो उसमें हमने देखा था कि यहाँ पे हमने ये जो ड्रग्स थी इनके बारे में बताया था। तो इसी तरह हमारे पास इधर भी ना एंजाइम इनहिबिटर एस ड्रग्स के बारे में बताया है कि हमारे पास जो एंजाइम इनहिबिटर है ना ये हमारे पास ड्रग्स के तौर पर काम करते हैं। कैसे एटलीस्ट हाफ ऑफ द 10 मोस्ट कॉमनली प्रेस्क्राइब्ड ड्रग्स इन द यूनाइटेड स्टेट्स एक्ट एज एंजाइम इनहिबिटर्स, ठीक है। एंजाइम इनहिबिटर्स के तौर पर काम करते हैं जिससे हमारे पास बीटा लैक्टम एंटीबायोटिक्स जिनको अंदर पेंसिलिन और एमोक्सिसिलिन आ जाती है ना एक्ट बाय इनहिबिटिंग एंजाइम्स इन्वॉल्व्ड इन बैक्टीरियल सेल वॉल सिंथेसिस, ठीक है। ये इस किस तरह काम करते हैं इनहिबिट करते हैं एंजाइम्स को जो कि बनाते हैं बैक्टीरियल सेल वॉल का सिंथेसिस करते हैं, ठीक है। इसके अलावा हमारे पास जो ड्रग्स है ना वो हमारे पास एक्स्ट्रा सेलुलर रिएक्शंस को भी इनहिबिट कर सकते हैं, दिस इज इलस्ट्रेटेड बाय एंजियोटेंसिन कन्वर्टिंग एंजाइम एस जिसको हम कहते हैं, ठीक है। एंजियोटेंसिन बहुत इंपॉर्टेंट है, एंजियोटेंसिन कन्वर्टिंग एंजाइम एस इनहिबिटर्स ये हमारे पास ना ब्लड प्रेशर को लोअर करते हैं बाय ब्लॉकिंग प्लाज्मा एस दैट क्लीव्स एंजियोटेंसिन, ठीक है। हमने कहा कि हमारा ब्लड प्रेशर जब हाई हो जाता है उसको लोअर करने के लिए हमारे पास ये एस जो है स्नार होता है, ये हमारे पास ना फिर प्लाज्मा का एस जो है ये ब्लॉक कर देता है और उसके ये ब्लॉक हो जाता है और उसके बाद ये ब्लॉक जब होता है ना तो ये आगे फिर एंजियोटेंसिन को क्लीव भी नहीं कर पाता, और जब एंजियोटेंसिन क्लीव नहीं होगा तो हमारे पास क्या कहते हैं टू फॉर्म पोटेंट वेजो कंस्ट्रिक्शन कंस्ट्रिक्टर एंजियोटेंसिन, और उसके बाद फिर जो वेजो कंस्ट्रिक्टर एंजियोटेंसिन था वो भी हमारे पास नहीं बन पाएगा। उसके बाद फिर क्या कहते हैं ना दीज ड्रग्स विच इंक्लूड कैप्टोप्रिल एंड एनालाप्रिल एंड लिसिनोप्रिल कॉजेज वेसोडायलेशन, ठीक है। ये जो ड्रग्स हैं ये वेसोडायलेशन करती हैं और इस तरह हमारे पास ब्लड प्रेशर में रिडक्शन करती हैं। एस्पिरिन जो कि हमारे पास एक नॉन प्रेस्क्रिप्शन ड्रग है, ठीक है, ये इरिवर्सिबली इनहिबिट करती है हमारा प्रोस्टाग्लैंडिन और थ्रोम्बोक्सिन सिंथेसिस को बाय इनहिबिटिंग साइक्लोऑक्सीजन या साइक्लोऑक्सीजन, तो ये सारी इसकी हमारे पास ना इनहिबिटर्स की एग्जांपल्स आई हुई हैं जो कि ड्रग्स के तौर पर काम करते हैं, ठीक है। इसके अंदर क्या पेंसिलिन एमोक्सिसिलिन पहले हमने पढ़ी, फिर एस पढ़ी, उसके बाद फिर हमने कैप्टोप्रिल एनालाप्रिल और ना लिसोप्रिनोल पढ़ी, उसके बाद फिर एस्पिरिन पढ़ी, ये सब हमने अपना इसके अंदर पढ़ी है यहाँ तक।